Subscribe to the Indian Reporter and press the bell icon. आज हम बात करेंगे कनिका कपूर के बारे में, जो पेशे से एक सिंगर हैं। उनका जन्म 23 मार्च 1981 को हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। कनिका कपूर का जन्म एक बिजनेस क्लास खत्री परिवार में हुआ था। कनिका कपूर एक मशहूर भारतीय प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें बॉलीवुड गीतों के लिए जाना जाता है, जिसमें बेबी डॉल और चिट्टियां कलाइयां शामिल हैं। इसके अलावा वे एक डांसर भी हैं। कनिका का परिवार काफी बड़ा है। उनकी फैमिली में लगभग 150 सदस्य शामिल हैं, जो लखनऊ के आसपास ही रहते हैं। उनके पिता का नाम राजीव कपूर है, जो अपने परिवार के व्यापार के क्षेत्र में तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। कनिका की माँ का नाम पूनम है, जो पेशे से एक होममेकर है। उनका एक बड़ा भाई भी है, जिसका नाम साशा है, जो लंदन में अपनी कंपनी का कार्यभार संभाल रहे हैं। आइए अब बात करते हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। उन्होंने अपनी पढ़ाई लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज से की। इसके अलावा उन्होंने लखनऊ के ही हाथखंडे संगीत संस्थान संगीत में बीए और एमए की। अगर बात करें उनकी हॉबीज की, तो उन्हें योगा करना, शॉपिंग और ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। उनका जोडियक साइन एरीज है। कनिका बचपन में अपने चाचा के साथ रविवार को संगीत का अभ्यास किया करती थी, और इसके बाद कनिका ने अपने गैरेज को एक स्टूडियो में बदल दिया, जहां वो गीत गाती और रिकॉर्ड भी करती थी। अब हम जानेंगे उनके करियर के बारे में। कनिका ने बहुत कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था, और जब वो 11 वर्ष की थी, तो उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में गाना गाने का मौका मिला। अनूप जलोटा उनके पिता के बचपन के दोस्त थे। दोस्तों, कनिका कपूर को 16 वर्ष की आयु में ही बॉलीवुड की दुनिया में ले जाने वाले अनूप जलोटा थे, जिन्होंने यूनिवर्सल पॉलीग्राम के साथ कनिका को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलने में मदद की। और मुंबई शहर में रहते हुए कनिका कपूर ने ललित सेन के साथ एक एल्बम बनाई, लेकिन यह एल्बम किसी कारणवश कभी रिलीज नहीं हुई। दोस्तों, कनिका कपूर ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं करने का फैसला किया था। हालांकि जब वह खजुराहो में अपने चचेरे भाई की शादी में राज चंडोक से मिली, तो उन्हें राज चंडोक से प्यार हो गया, और इसके शीघ्र बाद उन्होंने 18 साल की उम्र में ही डॉक्टर राज चंडोक से शादी कर ली और उनके साथ लंदन चली गई। लंदन जाने के बाद कनिका ने गाने गाने छोड़ दिए। लगभग 15 साल तक उन्होंने अपने पति के साथ हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत किया। इस बीच उनके 2 लड़कियां, जिनका नाम आयना और समारा है, और 1 लड़का जिसका नाम युवराज है, का और उनके पति के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई, जिसके चलते उन्होंने अपने पति को 2012 में तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद कनिका अपने बच्चों के साथ भारत चली आई, लेकिन उनके बच्चे भारत के वातावरण में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते वो बार बार बीमार हो जाते थे, इसलिए उन्हें फिर से वापस लंदन जाना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद कनिका ने फिर से संगीत दुनिया में वापसी ली और वर्ष 2012 में अपने गीत जुगनी जी को रिलीज किया, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। यह ट्रैक विशेष रूप से पाकिस्तानी सूफी गीत अलिफ अल्लाह का रीमिक्स था, जिसे मूल रूप से कोक स्टूडियो पाकिस्तान के तीसरे सीजन में आरिफ लोहार और मीशा शफी द्वारा गाया गया था। कनिका कपूर ने कई पंजाबी गीत गाए, लेकिन उन्हें अभी भी पंजाबी भाषा को बोलने में काफी कठिनाई होती है। कनिका कपूर एक सिंगर होने के बावजूद कढ़ाई और वस्त्र सज्जा की कला को बढ़ावा देने के लिए अपना खुद का फैशन ब्रांड कनिका कपूर हाउस ऑफ चिकनकारी नामक एक संस्था चलाती हैं। कनिका कपूर ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान उनके स्वागत में एक गीत गाया, जो काफी लोकप्रिय हुआ। उसके बाद उन्होंने वर्ष 2018 में ब्रिटेन में नरेंद्र मोदी के सामने भारत का राष्ट्रगान गाया।